हेलो दोस्तों, गोल टेक्निकल्स चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, आधार कार्ड हमारी ज़िंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट के द्वारा आधार कार्ड को हमारा आइडेंटिटी कार्ड बना दिया गया है, जिसके तहत हम किसी भी ऑफिस में जाकर आधार कार्ड दिखाकर अपनी पहचान साबित कर सकते हैं। अगर आप भी एक आधार कार्ड का सेंटर लेना चाहते हैं तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आधार कार्ड सेंटर लेना कितना मुश्किल या कितना आसान है, क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगने वाले हैं, कैसे हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कितनी फीस इसमें लगने वाली है और कितना प्रॉफिट, कितना मार्जिन इसमें मिलने वाला है और कितना खर्चा इसमें आएगा और कौन कौन सी मशीन इसमें काम आएगी, क्या रिक्वायरमेंट है, सारी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने वाले हैं। पर वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से करूंगा एक गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर CSE से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड और आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी अपडेट आते हैं सबसे पहले इस चैनल पर डल जाते हैं। और हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस घंटी के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, UTI, जिसका पूरा नाम UTI TSL है, जो कि पहले हमें पैन कार्ड की सर्विस प्रदान करता है, अब उसने एक जिम्मा उठाया है कि अब हर पंचायत, हर विलेज, हर स्टेट में अब वो आधार सेंटर खोलने वाला है। UTI का आधार कार्ड यानी कि UIDAI से एक एग्रीमेंट हुआ है, जिसके तहत अब वो पूरे इंडिया में आधार कार्ड के सेंटर खोलने वाले हैं, जिसके तहत अब आप सभी को आधार कार्ड के सेंटर खोलने का एक बहुत अच्छा मौका प्राप्त होने वाला है। कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आपको इसमें काम करना है, आगे इस वीडियो को पूरा देखें, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाने वाली है। अगर हम बात करें कि इस आधार कार्ड के सेंटर को लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आपको सबसे पहले आधार कार्ड जो कि कंपलसरी है और उसके साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा तो आपको आधार कार्ड सेंटर लेने में बहुत सारी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करवा लेना है। अगर उस दूसरे डॉक्यूमेंट की बात करें हम, पैन कार्ड और वोटर कार्ड, और आपकी एज जो है 18 प्लस होनी चाहिए, 18 या 18 प्लस अगर आपकी एज है तो आपको आधार कार्ड सेंटर बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगर उसके बाद हम बात करें क्वालिफिकेशन की, तो आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए या 10th के ऊपर होनी चाहिए, 10th के नीचे होगी तो आपको आधार कार्ड का सेंटर लेने में मुश्किल हो सकती है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th क्लास के पास है तो आपको ये सेंटर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। अगर आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं तो आपको आधार कार्ड का सेंटर मिल जाएगा। इसके बाद आपको एक और सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम ऑपरेटर सर्टिफिकेट या सुपरवाइजर सर्टिफिकेट कहते हैं। इस सर्टिफिकेट को हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसका एक एग्ज़ाम होता है, जिसे पास करने पर आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है और उसके बाद आप ये सेंटर बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास ये दोनों में से एक सर्टिफिकेट होगा तो आपको आधार कार्ड सेंटर लेने में कोई भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस सर्टिफिकेट को अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस मैंने पहले वीडियो बनाकर बताया हुआ है। इस वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से क्लिक कर कर आप सीधा उस वीडियो को देख सकते हैं और जान सकते हैं कैसे हमें इस सर्टिफिकेट को अप्लाई करना है और कैसे हमें इसे प्राप्त करना है। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट भी आ जाता है तो उसके बाद आपको अपनी एक पल्स वेरिफिकेशन करवानी होगी। पल्स वेरिफिकेशन आपके लिए करवानी बहुत ही ज़रूरी होगी, क्योंकि इससे ये पता चल जाता है कि आपके खिलाफ़ आपके नाम पर कोई केस तो नहीं चल रहा। अगर आपके खिलाफ़ कोई केस चल रहा होगा तो आपकी पुलिस वेरिफिकेशन पूरी नहीं हो पाएगी। अगर पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास होगी तो आपको ये सेंटर लेने में बिल्कुल भी
दिक्कत नहीं होगी और आपको आधार कार्ड का सेंटर बड़ी आराम से मिल जाएगा। अगर आपके पास ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं तो आधार कार्ड का सेंटर आपको पूरी ही आसानी से, बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन आपको पुलिस स्टेशन जाकर करवानी होगी और आधार ऑपरेटर और सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आधार कार्ड के साथ आपको मोबाइल नंबर लिंक करवाना होगा, एक आपको पैन कार्ड चाहिए होगा, एक आपको वोटर कार्ड चाहिए होगा और आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास होनी चाहिए। आपको समझ आ गया होगा कि आपके पास क्या क्या होना आवश्यक है, जिसके बाद आपको सेंटर मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि हमें आधार कार्ड का सेंटर कैसे अप्लाई करना होगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले UTI की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना पड़ेगा। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से क्लिक कर सीधा आप इस वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप देख सकते हो जहां पर आपको सबसे पहले UTI का लोगो देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपको होम, अबाउट अस, सर्विस, फॉर पैन कार्ड और फॉर आधार कार्ड के ऑप्शन दिखेगी। आपको सिंपली फॉर आधार कार्ड पर क्लिक कर लेना है और आधार कार्ड पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट, सर्विस अवेलेबल एंड फीस एंड लास्ट पर आपको आधार सेंटर लोकेशन मिलेगी। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जहां पर आप नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आप देख सकते हैं आपको कुछ एड्रेस देखने को मिलेंगे, जहां पर इनके मेन ऑफिस, हेड ऑफिस खोले गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहां पर न्यू दिल्ली का ऑफिस का एड्रेस बताया हुआ है। अगर आप न्यू दिल्ली के हैं तो आप इस दफ्तर में जाकर अपना आधार कार्ड का सेंटर अप्लाई कर सकते हैं और इनको जाकर डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप नवी मुंबई में इस सेंटर को अप्लाई कर सकते हैं। मुंबई वालों के पास एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन खुलकर सामने आ रहा है। अगर आप असम के हैं तो आपको कामरूप में जाकर ये सेंटर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोलकाता के हैं तो आपके लिए ये एड्रेस दिख रहा होगा 4th नंबर पर। अगर आप वेस्ट त्रिपुरा के हैं तो आपको अगरतला में जाकर ये अप्लाई करना होगा। अगर आप जयपुर के हैं तो संसद चांद्रा रोड पर जाकर आपको ये सेंटर, इनका हेड ऑफिस मिल जाएगा, जिसमें आप ये सेंटर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें टाइमिंग की बात करें तो मंडे टू फ्राइडे आप 9:30 से लेकर 5 बजे तक इस दफ्तरों में जा सकते हैं। अगर आप सैटरडे को जाते हैं तो 9:30 से लेकर शाम के 3 बजे तक ही ये ऑफिस खुलता है सैटरडे को, और मंडे से फ्राइडे 9:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक ये सेंटर ओपन रहते हैं। तो आप इन ऑफिस में जाकर अपने आधार कार्ड सेंटर को बड़े ही आराम से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाते हैं तो आपको सेंटर अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपका सेंटर हाथों हाथ अप्लाई कर दिया जाएगा। पर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट साथ में लेकर नहीं जाएंगे तो आपको कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और आपको फिर एक दो गेड़े और लगाने पड़ सकते हैं। अगर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाएँ तो आप इस सेंटर को बड़ी आसानी से वहाँ पर जाकर अप्लाई कर आएंगे। अगर दोस्तों हम मशीनों की बात करें, अगर आपको विश्वास हो जाता है कि आपको सेंटर मिल जाएगा और आपको वो परमिशन दे देते हैं कि आपको सेंटर मिल ही जाएगा, वो कोई रिस्पॉन्स देते हैं, तो आप मशीनें खरीद लें, वरना आप मशीनों में अभी इन्वेस्ट ना करें। पहले सेंटर अप्लाई करें, उसके बाद ही आप मशीनें खरीदें और काम करने के लिए जहाँ पर मशीनों का इंतजाम कर लें। अगर आपको वो रिस्पॉन्स अच्छा देते हैं तो आप मशीनों की खरीदारी कर सकते हैं, नहीं तो आप बिल्कुल भी मशीनें पहले ना खरीदें। और अगर आपको सेंटर मिल जाता है तो उसके बाद भी आप मशीनों की खरीदारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें आधार कार्ड का सेंटर अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, क्या एज होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर CSE से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड और आधार कार्ड से रिलेटेड ऐसी बहुत सी वीडियो आती रहती हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा BLE भाइयों तक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखकर लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने से हमें भी फ़ायदा होगा, हमारे साथ ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा
होने लगेगा सभी के दर्शकों को, सभी लोगों को। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस दोनों का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से क्लिक कर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।